गुड मॉर्निंग सारम चिल्ड्रन, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घरों में अच्छे से होंगे। चिल्ड्रन, आज मैं आपको बैडमिंटन गेम के विषय में बताने जा रहा हूँ। बैडमिंटन एक इंटरनेशनल गेम है। बैडमिंटन इंडोर में खेला जाता है। इसको खेलने के लिए हमें एक शटल और एक रैकेट की आवश्यकता पड़ती है। बैडमिंटन गेम थ्री टाइप से खेला जाता है। नंबर 1 सिंगल्स, नंबर 2 डबल्स, नंबर 3 मिक्स डबल्स। सिंगल्स में एक साइड से एक ही प्लेयर खेलता है और डबल्स में एक साइड से दो प्लेयर खेलते हैं और मिक्स डबल्स में एक साइड से एक मैन प्लेयर और एक वुमेन प्लेयर खेलता है। बैडमिंटन गेम 21-21 पॉइंट के 3 सेटों में खेला जाता है। इसमें जो भी प्लेयर 2 सेट जीतता है वह प्लेयर मैच जीत जाता है। बैडमिंटन की एक टीम में 5 प्लेयरों का सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें 3 प्लेयर खेलने वाले होते हैं और 2 प्लेयर इसमें एक्स्ट्राज होते हैं। बैडमिंटन की जो सबसे बड़ी संस्था है वह इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से जानी जाती है। 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बनी। बैडमिंटन गेम पहले बैटल डोर के नाम से खेला जाता था, बाद में इसका नाम बैडमिंटन रखा गया। बैडमिंटन गेम की हिस्ट्री को इंडिया से ही माना जाता है। पहले इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर्स इस गेम को खेलते थे। इसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड के और कंट्रियों में यह गेम खेला जाने लगा। इस समय बैडमिंटन गेम चाइना, इंग्लैंड, इंडिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, मलेशिया कंट्रियों में खेला जाता है। इंग्लैंड में बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से खेला जाता है। डेनमार्क में डेनमार्क ओपन के नाम से खेला जाता है। चाइना में चाइना ओपन के नाम से खेला जाता है। बैडमिंटन गेम टॉस द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें जो प्लेयर पहले टॉस जीतता है वह यह डिसाइड करता है कि उसको सर्विस लेनी है या रिसीविंग लेनी है। बैडमिंटन में दोनों साइड से एक एक प्लेयर जब खेलता है तो उसे सिंगल कहा जाता है। जब दोनों साइड से दो दो प्लेयर खेलते हैं तो उसे डबल्स कहा जाता है। बैडमिंटन गेम में पहली बार जिस साइड से शटल कॉक को मारा जाता है वह सर्विस साइड होती है। सर्विस के बाद अपोनेंट साइड को रिसीविंग साइड कहा जाता है। बैडमिंटन गेम में जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को शटल के द्वारा लगातार हिट करते हैं तो इसको
रैली कहा जाता है। अब मैं आपको स्कोरिंग रूल्स ऑफ बैडमिंटन के विषय में बताने जा रहा हूँ। बैडमिंटन 3 सेट का गेम होता है, जिसमें एक सेट 21 पॉइंट का खेला जाता है। अगर गेम में दोनों प्लेयरों के 20-20 पॉइंट होते हैं तो एक प्लेयर को इसमें एक साथ 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं, तभी वह मैच जीतेगा। बैडमिंटन गेम 29 पॉइंट तक चलता है, इसे गोल्डन पॉइंट कहा जाता है। एक पॉइंट जो प्लेयर लेता है वह मैच विन हो जाता है। बैडमिंटन गेम में एक प्लेयर को 2 सेट जीतने पड़ते हैं, तभी वह मैच जीत पाएगा। अब मैं आपको इसके फाउल बताने जा रहा हूँ, जो कि कई टाइप से हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट है प्लेयर के द्वारा सर्विस सही न करना। नंबर 2, सर्विस करते समय प्लेयर का पैर सर्विस लाइन से आगे बढ़ जाना। नंबर 3, सर्विस करने के बाद शटल का लाइन से बाहर चले जाना। नंबर 4, सर्विस करने के बाद शटल का नेट पर फंस जाना। नंबर 5, जब गेम चलता है तो प्लेयर के द्वारा नेट को टच कर जाना, ये फाउल होता है। नंबर 6, प्लेयर के द्वारा लगातार 2 बार शटल को मारना, यही फाउल होता है। अब मैं आपको बैडमिंटन ऑफिशियल्स के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो ऑफिशियल्स मैच करवाते हैं। उनमें एक मेन रेफरी होता है, एक असिस्टेंट रेफरी होता है, एक इसमें एम्पायर होता है और 4 to 8 इसमें लाइनमैन होते हैं। अब मैं आपको कुछ बैडमिंटन प्लेयरों के नाम बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने बैडमिंटन गेम के द्वारा इंडिया का नाम काफ़ी ऊंचा किया है। उनमें पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, श्रीकांत है, पी कश्यप है, पुलेला गोपीचंद है, विमल कुमार है, ज्वाला गुट्टा है। पुलेला गोपीचंद इस समय इंडियन बैडमिंटन टीम के कोच हैं। अब मैं आपको इसके टूर्नामेंट के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिस नाम से टूर्नामेंट खेले जाते हैं। इसमें थॉमस कप है, उबेर कप है, अग्रवाल कप है, ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप है, एशियन चैम्पियनशिप, ओलंपिक गेम्स, सैयद मोदी कप। अब मैं आपको बैडमिंटन के कोर्ट मेजरमेंट एक डायग्राम के द्वारा बताने जा रहा हूँ। चिल्ड्रन, ये बैडमिंटन कोर्ट कुछ इस टाइप से होता है। यह कोर्ट सिंगल्स डबल्स दोनों के लिए यूज होता है। बैडमिंटन कोर्ट की जो लेंथ होती है डबल और सिंगल के लिए, वह होती है 44 फिट। ये लाइन पूरी 44 फिट की होती है। इसकी टोटल लेंथ सिंगल्स डबल्स के लिए 44 फिट होती है और विड्थ जो होती है डबल्स के लिए ये होती है 20 फिट।
वहीं सिंगल्स के लिए जो विड्थ होती है, सिंगल्स के लिए यहाँ से यहाँ तक ये होती है टोटल 17 फिट, ये होती है इसमें साइड गैलरी। ये साइड गैलरी होती है पूरी, ये पूरी होती है बैक गैलरी। ये होती है इसमें डबल्स एंड लाइन। ये पूरी लाइन होती है साइड लाइन सिंगल्स की। ये पूरी लाइन होती है इसमें साइड लाइन डबल्स। ये जो साइड गैलरी होती है इसमें, ये गैलरी इसकी जो विड्थ होती है ये टोटल होती है 1.5 फिट। इसमें जो बैक गैलरी होती है, ये इसकी जो विड्थ होती है ये होती है 2.5 फिट। ये इसमें सेंट्रल लाइन होती है। बैडमिंटन कोर्ट में एक नेट लगा होता है, दोनों साइड से पाइप से बंधा होता है, एक पाइप इधर होता है एक पाइप इधर होता है। इस पाइप की जो टोटल राउंड जिसे बोलते हैं, गोलाई जिसे बोलते हैं, ये होता है 4 सेंटीमीटर का। इसे नेट पोल भी कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ होती है, वो होती है 1.55 मीटर। बैडमिंटन नेट की जो हाइट होती है ये होती है 1.52 मीटर। बैडमिंटन नेट की जो लेंथ तो टोटल होती है पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल होती है 6.1 मीटर। बैडमिंटन कोर्ट में ये शॉर्ट सर्विस लाइन होती है, इस साइड ये, इस साइड ये। बैडमिंटन कोर्ट में ये सेंटर होता है, सेंटर से शॉर्ट सर्विस लाइन की जो डिस्टेंस होता है ये होता है, ये 6.5 फीट होता है। बैडमिंटन का जो एक टोटल जो नेट होता है इसकी जो विड्थ होती है पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 76 सेंटीमीटर। बैडमिंटन कोर्ट 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ये होता है लेफ्ट सर्विस कोर्ट, ये होता है राइट सर्विस कोर्ट, इधर भी ऐसे आ जाएगा, ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट। बैडमिंटन गेम ऑड इवन नंबर से चलता है। पहली सर्विस राइट से राइट में पड़ती है, जो राइट से हमारे पॉइंट स्टार्ट होते हैं 0, 2, 4, 8, 10, 12,
14, 16, 18 और लेफ्ट से जो हमारे पॉइंट स्टार्ट होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर से बोलते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। बैडमिंटन गेम जो खेला जाता है वो इस टाइप से खेला जाता है। अगर पहली सर्विस राइट से राइट में पड़ेगी, अगर इस प्लेयर को पॉइंट मिलता है तो ये प्लेयर यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में और ये राइट वाला प्लेयर यहाँ चले जाएगा, इसका स्कोर हो जाएगा 1-0। इस तरह से गेम चलता रहेगा। बैडमिंटन गेम की जो सर्विस होती है सिंगल्स की, ये वाला एरिया राइट माना जाता है और डबल्स में ये वाला एरिया और ये एरिया आउट माना जाता है। सिंगल्स में ये वाला एरिया आउट माना जाता है, ये साइड गैलरी वाला, इधर साइड गैलरी। सर्विस में डबल्स में यह जो एरिया होता है यह सही माना जाता है। अब मैं आपको बैडमिंटन रैकेट के विषय में बताने जा रहा हूँ। बैडमिंटन का जो रैकेट होता है वह कुछ इस टाइप से होता है। ये वाला हिस्सा इसका हैंडल कहा जाता है, इसे ग्रिपी बोलते हैं। ये वाला हिस्सा इसका सॉफ्ट कहा जाता है। ये वाला पार्ट इसका हेड कहा जाता है। बैडमिंटन रैकेट की जो टोटल लेंथ होती है पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल होती है 68 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ होती है ये होती है टोटल 23 सेंटीमीटर। इसका जो खेलने वाला पार्ट होता है इतना एरिया, इसकी टोटल लेंथ होती है 29 सेंटीमीटर। बैडमिंटन रैकेट का जो वेट होता है ये होता है 100 ग्राम होना चाहिए इसका वेट। चिल्ड्रन, अब मैं आपको बैडमिंटन शटल के विषय में बताने जा रहा हूँ। बैडमिंटन शटल कुछ इस टाइप से होती है। बैडमिंटन शटल की जो टोटल लेंथ होती है ये टोटल होती है 70 mm की और इसकी जो विड्थ होती है ये होता है 65 mm का। बैडमिंटन शटल का जो वेट होता है ये होता है 4.75 से 5.5 ग्राम तक। बैडमिंटन शटल दो टाइप से आती हैं, एक फेदर की शटल आती है और एक प्लास्टिक की आती है। तो ये फेदर की शटल इस टाइप से कुछ होती है। इसमें नंबर ऑफ फेदर जो होते हैं ये होते हैं 16। इसमें नंबर ऑफ फेदर टोटल होते हैं 16। चिल्ड्रन, मैंने आज आपको बैडमिंटन के रूल्स, कोर्ट मेजरमेंट, रैकेट, शटल कॉक के विषय में बताया। बैडमिंटन के ऑफिशियल्स, बैडमिंटन के इंडिया प्लेयरों के विषय में बताया। थैंक यू।